और ये सरकार जो अपने आप को बिहारी हितेशी
बिहार के विकास की बात करती है, पूछिए लोगों से, पिछले 33 साल, 33 साल हम लोगों ने सरकार पे भरोसा किया। 90 के दशक से बिहार में वही सरकार है। आज जो गठबंधन की सरकार है चाची, जानती है ना, ये सरकार पिछले 33-34 सालों से, और इन 33-34 सालों में बिहार में सिर्फ अपराध बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। हमारे युवा पूरी की पूरी पीढ़ी पलायन करकर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हुई हुई कि नहीं। चाची, बच्चा लोग जाता है ना बाहर पढ़ने के लिए, काहे के लिए जाता है भैया? क्यों? आज भी हम देखते हैं बिहार के अलग अलग कोने से, कोई दिल्ली जाएगा, कोई बेंगलुरु जाएगा, कोई गुरुग्राम जाएगा, कोई नोएडा जाता है, कोई मुंबई जाता है। आज भी बिहार से पलायन हर बीते दिन के साथ बढ़ता जाता है। जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कई दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने, और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी मूलभूत जरूरत हमारी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु से कोई लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? ये सवाल इन लोगों से पूछने की जरूरत है। आज हम लोग जब अपने हक अधिकारों के सड़क पर उतरते हैं, तो हम लोगों पे लाठी चला जाती है, भले वो छात्र हो, शिक्षक हो, महिलाएं हो, आंगनबाड़ी की सेविकाएं, उन पर लाठियां चलाई जाती है, किसानों पर लाठियां चलाई जाती है, शिक्षकों पर लाठी चलाई जाती है। शिक्षक अपने बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति की बात कर रहे थे, और नियुक्ति में हो रही धांधली को उजागर कर रहे थे, उन पर लाठी चलाई जाती है। छात्रों के साथ पिछले लंबे समय से सिर्फ अन्याय हो रहा है। डिग्री का कोर्स कितने साल में पूरा होता है? कितने? 5 साल, 5 साल, 6 साल, ये हालात है बिहार के शिक्षा के। डिग्री का कोर्स पूरा नहीं होता, शिक्षा हमें नहीं दी जाती, हमारे हक अधिकार नहीं दिए जाते, क्योंकि ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं तो हम अपने हक अधिकार की मांग करेंगे, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करता है, उन सवालों से करते हैं। साथियों, यही कारण है कि हम लोगों को बांटा जाता है। बंटवारे की राजनीति सिर्फ बिहार में इसलिए की जाती है ताकि हम लोग एकजुट होकर अपने अधिकार ना मांगे। इसीलिए मैं जात पात धर्म वर्ग में बांटा जाता है, भाई को भाई से बांटा जाता है, गले को महागले, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगला कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी महिला कभी पुरुष, सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम एकजुट ना हो, पर पहचान के अपनी ताकत को। यह आग्रह मैं खास तौर पर अपने युवा साथियों से कर रहा हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। लगभग 63% आबादी बिहार में युवाओं की है। सोचे
कितनी बड़ी ताकत है हमारी। अगर ये 65% युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो ये राज्य सरकार तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को दम लगने बदलने की और जरूरत है साथियों, जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार को ऐसे ही शर्मसार होना पड़ेगा। और दूसरे राज्यों में जाइए, विदेशों में हम जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बिहारी जहां पर भी है, बिहारी बोलते हैं कि भैया हमें शर्म आती है। लोग हमसे बोलते हैं तुम उसी राज्य से हो ना जहां पर बाघ सुरक्षित हो जाते हैं, पुल हवा में गिर जाता है। ये खतरा बिहारियों को शर्मसार करती है कि बिहार को शर्मसार करने के लिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में जो अश्लील बयान दिया, क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? साथियों, आज मैं यहां नालंदा में मौजूद हूं और मैं मीडिया पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री बोलते हैं उनका गृह जिला, पूछे क्या उनके जिले के लोग सहमत हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से? कैसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए क्या? कितने लोग नालंदा में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए? ये है मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, अपने जिले में उनका विरोध ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। थक गए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब आराम करना चाहिए और बिहार की बात को बिहार के युवाओं के हाथ में देनी चाहिए। बिहार का भविष्य है बिहार के युवा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से भैया किस बात का डर लगता है? चिराग पासवान पर षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को तोड़ने के लिए। क्या किसी ने भैया चिराग पासवान का ना कोई हमारे पास ना कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार षड्यंत्र रचते हैं चिराग पासवान को हटाने का। कैसे हटाएंगे भैया? हमारे ही परिवार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री सोचते हैं कि चिराग पासवान का परिवार तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटे चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा चिराग पासवान को इसी के घर से इसकी माँ बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है उसके समेत इसके समान सड़क पे बिखरा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया मैं टूटने वाला हूँ ना छूटने वाला हूँ, आप देखो तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितना जोर मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ, सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये बात आपको लेकर बैठ जाएगा।
आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।